अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। ये मैंने सर्कल ऑलरेडी सर्कल करके रखा हुआ है और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सम बीड्स एंड सम सीक्वेंस फ्लावर। इसे सीक्वेंस फ्लावर कहते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। और आपको पता ही है मैं थ्रेड कॉटन वाला यूज़ करती हूँ। मुझे वो थ्रेड जो प्लास्टिक थ्रेड होते हैं वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। सो मैं आज वही थ्रेड यूज़ करूँगी। ये बैंगल मैं पहन लेती हूँ। सो मैंने अपने बैंगल से ही ये सर्कल ड्रॉ किया। बहुत ईजी वे में ड्रॉ हो जाता है। सो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप स्टेप बाई स्टेप देखिए, बहुत ब्यूटीफुल सा मैंने डिज़ाइन अप एक होता है ना, ये डिज़ाइन भी मैं अपने आप ही बना रही हूँ। इनफैक्ट जब मैं बना रही थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि लास्ट ऑप्शन ये बन करके के क्या उतरेगा, पर मैं ट्राई कर रही थी कि कुछ भी अच्छा हो जाए। पर ऐसा होता है ना, समटाइम्स आप कुछ बनाते हो तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि पूरा तड़का पचका हो जाता है, सारा पचका हो जाता है। तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो और जो जो नए हैं इस चैनल पे वो फटाफट से जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन फैन ऑन करना ना भूले। एंड ये तो मैंने सम फ्लावर सीक्वेंस है वो यूज़ किया है फर्स्ट मैंने, एंड सेकंड मैंने पर्ल यूज़ किया है। एक पर्ल है, स्टेप बाई स्टेप मैं दिखा रही हूँ और बहुत ईजी वे मैं बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैं पहले छोटे छोटे ही रील्स बनाया करती थी, पर काफ़ी लोग बोलते हैं मैम धीरे बनाया करो, समझ में नहीं आता है मुझे। इसलिए मैं YouTube चैनल पे ये लॉन्ग वीडियो डालने लगी हूँ आप लोगों की वजह से। अब आप लोग व्यूज़ नहीं दोगे, आप देखोगे नहीं, ये तो फिर गलत होगा ना, क्योंकि मैं इस पर कभी भी लॉन्ग वीडियो बनाती ही नहीं थी, पर आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग देखो फिर, क्योंकि आप लोग का डिमांड है। तो ये मैंने फ्लावर सीक्वेंस यूज़ किया है, बीट्स यूज़ किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रही हूँ और आप लोगों को कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताना। और आप लोग मेरी वीडियो देख के कुछ भी सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो, या मुझे कुछ और भी ठीक करने की ज़रूरत है अपनी वीडियो में, या आप लोगों को कुछ पसंद आ रहा है कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे बताया करो। समटाइम्स बहुत कुछ मुझे पता है, बहुत कुछ ऐसा भी होता है ना कि आप नहीं समझ पाते हो कि आप लोग देखना क्या चाहते हैं, और मैं वो चीज़ सही दिखा रही हूँ, सही से उन्हें समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ लगता है कि थोड़ा ये ऐसे होना चाहिए मैम, या थोड़ा ये वैसे होना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, और मैं समझूंगी भी और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सही करने की भी ट्राई करूंगी। तो ये जो है वीडियो, तो ये मैंने सोचा, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे इसमें ही डालना है, मतलब अब जो ये मैं फ्लावर बना रही हूँ, फ्लावर है क्या है ये तो बन करके उतरेगा तो ही आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट ये बना क्या। पर ये जो भी डिज़ाइन है पर्ल का और सीक्वेंस फ्लावर का, ये आप ये जो डिज़ाइन है वो आप लाइक किसी बच्चे के फ्रॉक में बना सकते हो, या नहीं तो आप स्कर्ट लॉन्ग स्कर्ट बना रहे हो आप उसमें बना सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप ये ट्राई कर सकते हो और बहुत इजी वे में ट्राई कर सकते हो। और ये बहुत प्रीटी लग रहा था, फाइनल लुक इसका बहुत अच्छा है। सो जो मैंने आधा चांद की तरह वो टुकड़ा मैंने बना दिया फ्लावर के साथ, वो आज बस थोड़ा सा मैंने स्पेस छोड़ा, मतलब 75% जो है मैंने कवर कर लिया उसको सीक्वेंस फ्लावर से और पर्ल से, एंड जो थोड़ा सा 25% छूटा हुआ है मैंने उसमें बड़ा सा पर्ल यूज़ किया है, बड़ा पर्ल यूज़ किया है फिर मैंने, और वो सीक्वेंस फ्लावर और एक छोटा सा पर्ल जो मैं बाकियों में यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ किया। तो स्टेप बाई स्टेप बहुत प्यारा सा, और बन करके इसका आउटकम बहुत प्यारा लग रहा है। मैं भी नहीं सोची थी कि इतना प्यारा बन जाएगा, ये काफ़ी ब्यूटीफुल बन गया। सो लास्ट में नॉट बनाना बिल्कुल ना भूलें। क्या होता है ना, मैं हर जो भी पर्ल जो भी यूज़ करती हूँ ना, मैं नॉट देती जाती हूँ, क्यों, अगर आपका अगर मान लो कि एक भी मोती निकला ना तो आपका पूरा नहीं खुलेगा, इस वजह से आप भी कोशिश करो वो नॉट आप दे देना। जैसे लाइक मैं और भी पर्ल यूज़ कर रही थी वो अब मैं नॉट नहीं दी, पर मोस्टली मैं नॉट दे देती हूँ, क्योंकि ये ट्राई कर रही थी ना मैं कि कैसा बनता है इसलिए नहीं। पर अगर इसको जिस मेन चीज़ में अगर किसी में ट्राई करके मैं बनाऊंगी ना तो वो मैं नॉट देती हूँ, क्योंकि एक भी अगर फ्लावर निकले तो सारा नहीं खुलना चाहिए भाई, इस वजह से ये ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को भी देना चाहिए। तो कैसा लग रहा है अभी, अब तक आप लोगों को कैसा लगा आप ये बताओ ना। अब तक तो ये बहुत, मुझे पर्सनली ये बहुत 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 प्यारा लग रहा है, मतलब
मतलब मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये मतलब कोई कमी नहीं निकाल सकती, अच्छा ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा। एंड थोड़े थोड़ा मैं फिर क्या बोलते सीक्वेंस बीट्स, बीट्स बोलते नहीं इसे, बीट्स नहीं बोलते इसमें, कट कट दाना शायद इस टाइप का कुछ बोलते हैं, क्या बोलते एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है गाइस, आप मुझे कमेंट में बताना इसे बोलते क्या है जो अभी मैं वाइट वाला यूज़ करी, आई थिंक कट बीट्स बोलते हैं ऐसा कुछ, आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या बोलते। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना लिया है तो कट बीट्स या कट दाना शायद में भी, तो वो मैंने 6 यूज़ किया। फिर मैंने एक पर्ल यूज़ किया, ये पर्ल देख लीजिए, बाकी उसमें जो पर्ल लगा है ना उससे में उससे छोटा पर्ल ये मैंने यूज़ किया। फिर मैंने एक कट बीट्स जो है कट दाना मैं उसके साथ अपना ये निडल निकाली हूँ, आप देख लीजिए। फिर जो सेकेंड टाइम मैं बीट्स यूज़ कर रही हूँ, कट दाना सॉरी, आई थिंक सो कि कट दाना ही बोलते हैं, वो मैंने 5 यूज़ किया है। फर्स्ट टाइम जो लियो फर्स्ट लेयर में 6 लिया है, सेकेंड लेयर में 5 लिया है, ये आप याद रखना। और आप ध्यान से देख लो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं सही से स्टेप बाई स्टेप दिखा देती हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, कोई ऐसा ना रहे कि ये नहीं मैम अच्छे से बताया, वो नहीं अच्छे से बताया, वो ना हो, मैं एकदम सारा कुछ क्लियर डिटेल में बताती हूँ। और ये तो गड़बड़ भाई होना है, ना हो ऐसा हो पॉसिबल है जब आप वीडियो बनाओ और आपके साथ कुछ गड़बड़ हो, ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, चलता है भाई। आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता है मुझे बताओ, आप लोग बोलते नहीं हो कि होता है कि नहीं होता, आप लोग बताया करो, कमेंट्स किया करो यार, आप लोग भी बताया करो, आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, मतलब कुछ बोला करो, आप लोग बस देख लेते हो कुछ रिप्लाई नहीं करते, कुछ कमेंट्स नहीं करते, क्या करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे बड़ी बात चैनल, आप मुझे मोटिवेट करोगे तब ना मैं आगे वीडियो लाऊंगी, आप मुझे मोटिवेट ही नहीं करोगे तो फिर मुझे लगेगा यार बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए आप बताओ मुझे कि हाँ आपको ये पसंद आया, आपको ये पसंद नहीं आया, आप मुझे ये करना चाहिए था या मुझे ये और अच्छे से करना चाहिए था, जो भी आप अपने अपने थॉट्स मुझे बताओ, जो भी आपको लग रहा है। और मैं इतना ये नहीं बोलती हूँ कि हाँ क्यों बोला नहीं बोला, अब बताओगे अगर मुझे वो चीज़ लगेगा कि हाँ मुझे सुधारनी चाहिए, मैं सुधारूंगी, मैं करूंगी ठीक, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं अपना बेस्ट दूं, आप लोगों को मैं समझा सकूं, जो मुझे आता है जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं मतलब दिखा सकूं, हाँ कि आप लोग भी कुछ अपना सीख लो, आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ। और कुछ मैं जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ ना बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे, बहुत पर्सनली बहुत पसंद आता है, और पर वो बहुत इजी होता है, देखो ये कितना प्यारा सब बन गया, मतलब मैं खुद नहीं सोची थी ये इतना ब्यूटीफुल सा मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं जब स्टार्ट की थी ना मैं एक सर्कल ड्रॉ कर ली थी और मैं सोची थी बस बनता जाएगा, जो भी बनता जाएगा मैं दिखा दूंगी, अब ये अच्छा बनता ख़राब बनता मैं आपको दिखा देती, क्योंकि इसको फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।